बहुत बहुत अच्छा डायलॉग था हाँ। And, uh, आपके लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जब आपका करियर लो चल रहा हो पर वो में था, तो उन्होंने एक किस्सा हुआ था और फिर उन्होंने मुझे समझाया था की और उन्होंने एक शब्द जो सेंटेंस बोला था वो इस सेंटेंस से भी थोड़ा सा मतलब ये डायलॉग उससे प्रभावित है कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन इवेंट फेल होता है <laughs> तो जब भी ट्रेलर शुरू नहीं हो रहा था बहुत देर तक <laughs> तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे लोग मर गए अभी ट्रेलर नहीं शुरू हो रहा मैंने कहा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा <laughs> इनको बोलेंगे माफ़ कर दो कल आ जाना दोबारा <laughs> uh, तो आई थिंक दैट्स हाउ माई लाइफ हैज़ बिन दैट्स हाउ आई एट द इन अ वेरी वेरी बिग फिल्म आई हैड है फेशियल पैरलिस इन हम आपके हैं कौन आई वेंट बैंक इन टू ऑलमोस्ट धन आई रोज आप इत में वो तो है पावर फेलियर डरा नहीं डरा नहीं सकता आपको मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आप आपकी पिछले साल तीन फिल्म कामयाबी अरे मैं तो बहुत सालों से कामयाब हूँ <coughs> आपको नोटिस आप अब हो रहा है बट अपना यू आर है कि नहीं आई एम प्राउड ऑफ यू थैंक यू हाँ और टच वुड कर लो सब अच्छे रोल आ रहे हैं <laughs> अच्छे रोल आ रहे हैं मेरी एज के सिर्फ मम्मी नहीं हूँ बहुत रोल हैं और एक फ़िल्म ऐसी है जिसमें मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म का नाम भी वही है जैसे अनुपम ने कहा कि पहले छोटे छोटे फेसेस आते थे और अब अनुपम का बड़ा मेन फेस है तो ऐसे ही जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का नाम मेरा कैरेक्टर है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ी बात थी और मैं तो ये कहना चाहूँगी ये ना सपोर्टिंग एक्टर सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये होना ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान में ही है सिर्फ नहीं सब जगह कैरेक्टर एक्टर नो ये कैरेक्टर एक्टर है हाँ, ये कॉमेडियन है comedian. ये विलन है हाँ मतलब कि पंचायत कहाँ से कॉमेडी है यू नोट आई मीन और सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है एक्टर तो एक्टर ही है मैं अपना एक्टिंग तो अच्छी करूँगी ना सपोर्टिंग एक्ट्रेस सपोर्टिंग एक्टर ये इसलिए है कि ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए ज़्यादा इनाम देने होते हैं तो शायद इसलिए करते हैं बट uh, मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए हाँ उस फिल्म एक फ़िल्म है जिसमें नरगिस ने भी अच्छा काम किया अनुभव ने भी किया मैंने भी किया इसने शायद इतना अच्छा नहीं किया उसको मत दो <laughs> <laughs> मतलब ऐसा कर सकते हैं ना ये थोड़ा ना सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडियन हाँ विलेन पहले तो विलेन बहुत होता था सो आई थिंक ये हट जाने चाहिए Uh, तो ये हम मेरे लिए हमारे लिए जैसे अनुपम ने कहा मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि uh, मैं पोस्टर पे हूँ और मेरा अच्छा अच्छा चेहरा उसमें है बड़ा चेहरा हाँ <laughs> अब <laughs> आप, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और ये आप ही से आ सकता था यू मे बी द आर ओ ऑफ दिस कंपनी ऑफ दिस फिल्म द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन फेब एंड इट्स इन हिंदी एज यू मस्ट है न्यूज़ पेपर लिख रहा था बार बार की अंग्रेज़ी में है एंड वी नीड अगर आप मेरा और नीना का और इन सब का पोस्टर बड़ा पोस्टर बार बार देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का uh, थिएटर में आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है हम पूरी कोशिश करेंगे uh, मैं पर्सनली हर एक होर्डिंग वाले के पास गया हूँ कि मेरा होर्डिंग लगा दो uh, मैंने सबसे भीख मांगी है ऑलमोस्ट कि अब मेरा ये कर दो बिकॉज इट्स जो जद्दोजहद है ना ये स्ट्रगल जारी रहता है और अच्छा भी रहता है मैं घर पे बैठा रहा हूं और सोचूं कि अपने आप ही हो जाएगा मैं ट्विटर पे हम लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं सड़क पे चल रहे हैं लगा दो ये यहां पर कर दो मेरा स्टाफ कभी कभी मुझसे तंग है हर मन ऑफ मी बिकॉज वो नीचे आ गए मोटरसाइकिल वाले उनको जवाब नहीं आ रहा राठी जी के भाई का फोन आ रहा है वो नीचे क्यों नहीं आए बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ इफ यू आर सपोज टू बी हैपनिंग देन यू हैव टू हैपन मेक थिंग्स हैपन so I think it's a great opportunity and अपने आपको अपने घरवालों की कसम है कि सबको 10-10 uh, लोगों के टिकट ने खरीद के देखना देना और that I think that that should be the and but I want to now introduce uh, uh, the people behind the show who have been amazing uh, producers uh, presenters um, ashutosh राजपेयी and anita please come on stage राठी ji thank you for supporting this film uh, please come on stage

लो uh, आप फिर उसके बाद हम बाहर जाके बात करेंगे एंड कुछ नाश्ते का प्रोड्यूसर इंतजाम हुआ है अच्छा <laughs> <वो laughs> so <nice> <laughs> <laughs> Okay. Uh, thank you so much, the entire cast and crew, which is here. Thank you so much, and all the very best for uh, this film. I'm sure it's going to do wonders. I'm sure it has. if I a problem. Anyways, thank you so much for being here, and uh, well. Uh, i think we will have volunteers to probably uh, later to tell you how uh, the next interview and things like that will be lined up so um, that will be sorted completely and thank you for joining us tonight uh, you've been good thank you